हाय दोस्तों, मैं गौतम कुमार आज चर्चा करने वाला हूँ VLS फाइनेंस लिमिटेड। उससे पहले उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अपने एटीट्यूड के अनुसार अपने ज़िंदगी को खुशहाल पूर्वक जी रहे हैं और अपने व्यवहार को इस प्रकार बनाए रखें ताकि किसी भी जीव जंतु को कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं हो रही है। तो चलते हैं दोस्तों, एक अपडेट न्यूज के साथ में आज का वीडियो है, तो इसे पूरा देखिए ताकि समझ में आए कि क्या होने वाला है इस शेयर में और क्या नहीं होगा। तो चलते हैं दोस्तों, VLS फाइनेंस लिमिटेड, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल जाएगा कि काम क्या हो सकता है इस कंपनी का। बाकी पिछले वीडियो में भी देख सकते हैं, इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताया जा चुका है। इस कंपनी का शेयर प्राइस 310 रुपया, बुक वैल्यू 857 रुपया, अपने बुक वैल्यू से काफ़ी नीचे में ट्रेड कर रही है ये शेयर। ROC 14.1% और ROE 11.8% का है। डिविडेंड भी पे कर रही है 0.48% का, और बावन भी का हाई लो 338 रुपया और 167 रुपया। स्टॉक पी 3.34 का। वन ईयर का प्राइस चार्ट देखने से ऐसा लग रहा है कि ये अब धीरे धीरे अप ट्रेंड पकड़ेगी। क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं मार्च 2024 का, तो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा है इस शेयर का, जो कि अर्निंग पर शेयर 21.28 रुपये। मैं बहुत ही अच्छा रिजल्ट इसको मानता हूँ। बाकी इन्वेस्टमेंट अपने बुद्धि विवेक अनुसार ही करिए दोस्तों। और बैलेंस शीट भी देखते हैं तो रिजर्व इसके पास में भरपूर मात्रा में है, जो कि मार्च 2024 के अनुसार 2948 करोड़ का, और इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी अच्छा है 3158 करोड़ का। तो ये सब इस शेयर के लिए प्लस पॉइंट है, यानी कि फ्यूचर में ग्रोथ देखने को मिलेगा अच्छा खासा इस शेयर के प्राइस में। अब जिस न्यूज का इंतज़ार था वो है सामने आपके, बोर्ड मीटिंग इंटीमेशन फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट, यानी कि क्वार्टरली रिजल्ट तो अनऑडिटेड फाइनेंशियल ही रिजल्ट होता है क्वार्टर का, क्वार्टर दर क्वार्टर का। तो वही रिजल्ट से संबंधित न्यूज है जो कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। स्क्रिप्ट कोड है 511333, 27 जुलाई 2024 का अपडेट न्यूज है VLS फाइनेंस लिमिटेड का, जो कि इसमें बताया गया है कि 9 अगस्त 2024 को इसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मीटिंग होने वाला है, जैसा कि मुझे समझ में आया इसमें। और इनसाइडर ट्रेडिंग को रोका गया है 11 अगस्त 2024 तक। तो काफ़ी अच्छा न्यूज़ है इस शेयर के लिए। ये 9 अगस्त से पहले इस शेयर में फिर से एक बार अप ट्रेंड बनने की उम्मीद है, मेरा ये मानना है। बाकी इन्वेस्टमेंट अपने बुद्धि विवेक अनुसार और सूझबूझ के अनुसार ही करिए दोस्तों। इस शेयर के शेयर प्राइस NSEIndia.com वेबसाइट पर है 308 रुपया 50 पैसा। आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर परसेंटेज ऑफ डिलीवरेबल, यानी कि ट्रेडेड क्वांटिटी, तो 36.77%, काफ़ी लो है डिलीवरी में परसेंटेज, जो कि डिलीवरी में क्वांटिटी को उठाया गया है, जितना ट्रेड हुआ है उसका 36.77% का डिलीवरी में उठा लिया गया है। यहाँ पर भी सेम न्यूज़ है, बोर्ड मीटिंग इंटीमेशन 9 अगस्त 2024 का। एक और बात है इस शेयर में प्लस पॉइंट कि प्रमोटर होल्डिंग 50% से ऊपर में है, भले ही पॉइंट में ही है लेकिन है, जो कि 50.84% का है। अब जैसा कि आपको दिख रहा होगा वेबसाइट का नाम BSEIndia.com, इस पर इस शेयर का प्राइस 311 रुपया शो हो रहा है।
जो कि 1 अगस्त 2024 16:00 बजे का लास्ट अपडेट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 31/7/2024 न्यूज है, बोर्ड मीटिंग इंटीमेशन फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट, जो कि सेम न्यूज है। फाइनल डिविडेंड भी है जो कि 20/9/2024 एक्सपायरी डेट है, 1.5 रुपये का, यानी कि 1.50 रुपये का। यहाँ पर देखने वाली बात है डिलीवरी पोजीशन, तो क्वांटिटी ट्रेडेड हुआ 6507 और डिलीवरी में उठाया गया 3149, परसेंटेज रहा 48.39%, यानी कि 48.39%, जो कि डिलीवरी में यानी कि फ्यूचर के लिए उठा लिया गया है इस कंपनी के शेयर को, तो काफ़ी अच्छा है। बाकी अंत में मैं यही बात कहना चाहूँगा कि इन्वेस्टमेंट अपने बुद्धि विवेक अनुसार ही करिए दोस्तों। ये एक ऐसा शेयर है जो कि अगर आपको पैसा बनाएगा तो ये डबल भी कर देगा 1 ईयर के अंदर में, और बाकी डिपेंड करता है स्टॉक मार्केट के भगवान पर, यानी कि देवता पे। वो कौन है? तो ऑपरेटर होते हैं। ऑपरेटर चाहे तो किसी भी शेयर को आसमान तक ले जाएगा और किसी भी शेयर को नीचे रेंगने के लिए लेकर के चला जाएगा, उसके हाथ में होता है। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए शेयर के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार साथियों।